हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी ए इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस सी ए इंटर के इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में पहला यूनिट जो है हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग का देख रहे हैं इस यूनिट के पर्टिकुलरली तीन सेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं तीनों में से पहले दो सेशंस में हमने पूरा पूरा बेसिक देखा था कि एग्जैक्टली exactly नेशनल इनकम के कंसेप्ट क्या होते हैं उसमें अलग अलग वेरिएबल्स कौन, कौन से कौन से कौन कौन, कौन कौन से आ सकते हैं जैसे जी डी पी एनडीपी एन फिर उनके फॉर्मूलेस कैसे बना सकते हो आप बेस्ड ऑन कंसेप्ट कि कैसे आप उनको याद रख सकते हो जैसे इन सारी चीजों में पहला वर्ड ग्रॉस होता है या नेट होता है तो ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करो नेट से ग्रॉस आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करो सेकेंड वर्ड डोमेस्टिक या नेशनल होता है तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम डिराइव करना है तो आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड करो नेशनल से अगर आपको डोमेस्टिक निकालने के लिए बोला जाता है तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना पड़ेगा सो so, ये सारे जो है ये बेसिक पार्ट देखे फिर हमने ये भी देखा पिछले सेशन में कि ये दोनों पार्ट जो है मतलब ये जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी ये दो अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं या दो अलग अलग प्राइसेस पे आते हैं एक मार्केट प्राइस एंड एक फैक्टर कॉस्ट तो जो डेटा इनिशियली कलेक्ट होता है प्रोडक्ट्स का वो मार्केट प्राइस पे कलेक्ट होगा बट एक्चुअल में जो इनकम फैक्टर ओनर्स को डिराइव्ड हुआ है या फैक्टर्स ओनर्स ने कमाया है वो पर्टिकुलर पार्ट जो है दैट विल बी रिलेटेड टू फैक्टर कॉस्ट तो इस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाने के लिए हमने देखा था कि अगर आपके पास किसी भी चीज का मार्केट प्राइस का डेटा है तो उसमें से माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करो प्लस सब्सिडीज करो तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा या उसी को हम बोल सकते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको आते हैं जिसमें कभी कभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया रहता है कभी इनडायरेक्ट टैक्स कभी सब्सिडी सेपरेटली दिया रहता है तो दोनों एंगल याद रखना ऑन द कॉन्ट्री अगर आपको फैक्टर कॉस्ट देके मार्केट निकालने के लिए बोला तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होंगे सब्सिडीज माइनस होंगी और ये या फिर प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो तो ये जो सारा पार्ट है ये नेशनल इनकम के अलग अलग कंसेप्ट से रिलेटेड आता है ये बेसिक्स देखने के बाद हमने इसका रीडिंग भी स्टार्ट किया था जिसमें पहला फैक्टर इन डिटेल हमने कवर किया था जीडीपी और फिर उसके आगे के वन बाय वन वन बाय वन पार्ट आज हम आगे के डिस्कशंस करेंगे इसके बाद ये जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा या अदर ये कंसेप्ट का डिस्कशन कंप्लीट होगा फिर तो कुछ तीन चार भी दिए हैं न्यूमेरिकल वो कैसे आते हैं कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए ये सारा पार्ट पार्ट हम डिटेल में में डिस्कस करेंगे लेट्स सी तो इनिशियली इंट्रोडक्टरी हमने देखा कि नेशनल इनकम कंसेप्ट कैसे एक इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए यूजफुल रहेगा फिर अलग अलग कंसेप्ट में हमने सबसे पहले देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इनिशियली सारे मार्केट प्राइस के कंसेप्ट आपको दिए गए हैं बाद में फैक्टर कॉस्ट का आएगा याद रखना जो आखिरी फाइनल नंबर रहेगा नेशनल इनकम का वो होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये फाइनल नेशनल इनकम रहेगा फिर इसमें देखा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेसिकली वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन सर्विसल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अयर ग्रॉस ऑफ डिप्रिसिएशन ये डिप्रिसिएशन माइनस किए बिना है प्लस जितना इस टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है फिर वो प्रोड्यूस किसी ने भी किया हो अगर आउटसाइडर ने भी इंडिया में प्रोड्यूस किया है तो वो जीडीपी का पार्ट रहेगा किसी इंडियन ने बाहर किया है तो फिर वो पार्ट किया जीडीपी का नहीं ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वैल्यू है जब हम ग्रॉस नेशनल में जाते हैं तब हम इंडियंस ने जो बाहर काम किया है उसका फैक्टर या उसका इनकम ऐड करेंगे और जो फॉरेनर्स ने इंडिया में काम किया है उसको माइनस करेंगे नेशनल प्रोडक्ट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट में टेरिटरी में जितना प्रोड्यूस हुआ है फिर वो फॉरेनर्स ने किया हो या रेसिडेंट ने वो सारी वैल्यूज हम उसमें ऐड करते हैं और ये सब वैल्यू ऐड करते करते हम अलग 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 चीज़ों का ध्यान रखते हैं जैसे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होते हैं वो ऑलरेडी उनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में एड होती है अगर आप उनको सेपरेटली एड करोगे तो वो डबल काउंटिंग होगा इसके लिए फिर हमने एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे फाइनल गुड्स और वैल्यू एडेड अप्रोच मतलब फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कैलकुलेशन करते हो क्या ध्यान रखना है तो इन जनरल जो तरीका फॉलो होता है वो है कि हर हम हर यूनिट का वैल्यू एडेड निकालते हैं और उसकी टोटल जो आती है सारे वैल्यू एडेड की टोटल समेशन वो उतनी ही रहेगी जितना आपके फाइनल गुड्स का वैल्यू है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सबको एड करके हमें जी मिलता है फिर इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट था कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हमें इग्नोर करनी है फिर आगे बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज वही आएगा नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का कैलकुलेशन हम नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं जैसे ट्रांसफर इनकम की चीज होगी कि किसी को पैसा मिला है बट अगर उसका कोई प्रोडक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली देन नो कंसिडरेशन फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनको हम मॉनिटरी टर्म में काउंट नहीं कर सकते उनको हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट ये पीरियोडिक मेजरमेंट होता है कोई भी फ्लो कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बोला था डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन जो चलते हैं वो एक सर्टन पीरियड के लिए स्टडी करने पड़ते हैं तो नेशनल इनकम भी वैसा ही होगा देन अगला और आखिरी पॉइंट जो हमने अभी तक के सेशन में देखा था वो था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल भी मैंने बना के दिखाया था कि कोई पर्टिकुलर चीजें ऐसा है कि बनती किसी एक साल में है बेचना उनका किसी और साल में होता है तो जिस साल में वो बने हैं उसी साल के वैल्यूएशन में वो ऐड होने चाहिए इसीलिए अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स वगैरह अगर बेचते हैं किसी पहले साल में बने थे ऑलरेडी एडेड थे तो उनको अलग से हम ऐड नहीं करते हैं इसके लिए स्टॉक का एडजस्टमेंट भी हम करते हैं इन्वेंटरी का कि जो नेट इन्वेंटरी चेंज है बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना ओपनिंग स्टॉक माइनस करना जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में करते हो एक बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम यही पर्टिकुलर ट्रिक फॉलो करते हैं कि इसी साल का एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग के डेबिट में रहे इसलिए ओपनिंग डेबिट में डाल के क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में डालते हैं वैसा ही हम यहां कर रहे हैं कि नेट

ये हेडिंग क्या बोल रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अब नेशनल बोला मतलब यहां नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम ऐड करेंगे किसी फॉरेनर ने अगर इंडिया में काम करके पैसे कमाए हैं तो वो पैसा माइनस किया जाएगा किसी इंडियन ने फॉरेन कंट्री में कुछ फैक्टर इनकम अर्न किया है तो उसे ऐड किया जाएगा तो बेसिकली जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको मिलता है उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम माइनस करेंगे सॉरी प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और उससे हमें मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अब इसमें भी हमने देखा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है जीरो भी हो सकता है जो कि रेयर पॉसिबिलिटी है यह भी मैंने बेसिक्स में कवर किया था कि अगर फॉरेन इनकम फैक्टर इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड अगर पॉजिटिव है तो नेशनल इनकम ज्यादा रहेगा डोमेस्टिक कम और अगर वो निगेटिव है तो डोमेस्टिक ज्यादा रहेगा नेशनल कम इसके लिए भी हम एग्जाम्पल के साथ बेसिक्स में देख चुके हैं कोई अगर डायरेक्टली ये लेक्चर रेफर कर रहा है तो प्लीज पहले तीनों बेसिक के लेक्चर रेफर करो फिर ये लेक्चर देखो कंसेप्चुअल पार्ट है तो पीछे के बिना आगे का डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज ध्यान रखना कि पहले सारे लेक्चर्स पीछे के देखो जहां हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं लेट्स रीड देखते हैं क्या दिया है जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेस ग्रॉस ऑफ अ डिप्रिसिएशन ये अभी भी ग्रॉस है डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ प्रोड्यूस्ड थ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग आखिरी लाइन देख सकते हो इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर आपको प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा भी याद है जब जीडीपी के लिए हमने देखा था सेम लाइन था सेम लाइन है एग्जैक्टली exactly वही लाइन है सिर्फ इतना पार्ट जो है इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये ऐड कर दिया और ये फर्क सिर्फ इस सेकेंड वर्ड का है क्योंकि जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक था अब हम ग्रॉस नेशनल देख रहे सेम चीज है ग्रॉस ऑफ ऑफ डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर सब कुछ सेम है सिर्फ एक ही चीज इस सेंटेंस में चेंज होती है और वो है इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड सी इट इज द टोटल इनकम अर्न बाय द नेशंस परमानेंट रेसिडेंट अब ये सिर्फ हमारे देश के लोगों ने अर्न किया हुआ इनकम है भले वो फॉरेन में किया हो क्योंकि हम उसको एड करेंगे कॉल्ड नेशनल्स डिफर्स फ्रॉम जीडीपी बाय इंक्लूडिंग इनकम दैट आवर दट अवर सिटीजन याद रखना इंक्लूडिंग जो हमारे सिटीजन ने बाहर आड, आड, आड किया है उसको ऐड करेंगे एंड एक्सक्लूडिंग इनकम दैट फॉर इनर्स ने यहाँ पे अर्न किया है वो माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक वैल्यू में से डोमेस्टिक वैल्यू जो भी मिलेगी फॉरिन से अर्न किया हुआ इनकम एड होगा फॉरिनर्स ने जो यहाँ से अर्न करके लेके गए वो माइनस होगा तो बेसिकली अगर फॉर्मूला आपको याद होगा जीडीपी

इनफैक्ट डेफिनेटली so उसको एनएनपी तक जब जाएंगे तो उसको पे करेंगे। अब दिया हुआ है आप देख सकते हो जीएनपी एट मार्केट प्राइस वो निकाल रहे फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस मैंने आपको बोला था तीन लेटर के एडजस्टमेंट सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट वर्ड ग्रॉस अब अगर आप देखोगे दोनों word, है. मतलब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं होगी सेकेंड वर्ड डोमेस्टिक है डोमेस्टिक से नेशनल जाना है क्या करते हैं हम डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम फ्रॉम्रॉड करते हैं अब इस नेट फैक्टर इनकम को पहले डिटेल में दिया है फिर शॉर्ट में दिया है सी पढ़ेंगे फैक्टर इनकम बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि इंडियंस ने बाहर से क्या कमाया माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाहर के फैक्टर ओनर्स ने इंडिया से क्या कमाया और उसी को अगर आप शॉर्ट में बोलोगे ये जो पूरा सेंटेंस उन्होंने दिया है उसी को हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम तो आपके पास जीडीपी अगर दिया है मार्केट प्राइस पे और उससे आपको जीएनपी निकालना है तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एड होगा <coughs> एक और रिवर्स वे में भी दिया है अगर आप जीएनपी से शुरू करते हो सी यहां पे अगर आप ध्यान दोगे अगले फॉर्मूला में जीएनपी एट मार्केट प्राइस है <coughs> और आंसर में जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया मतलब नेशनल से डोमेस्टिक गए तो माइनस नेट इनकम फ्रॉम तो एज सिंपल एज दैट मैंने आपको ये पहले भी बोला है कि ये तीन अगर आप ध्यान रखोगे आराम से आपका ये पूरा पार्ट आराम से लर्न हो सकता है नेक्स्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ दैट कंट्रीज सिटीजन एंड कंपनीज अर्न अब्रॉड एंड द एग्रीगेट अमाउंट दैट फॉरन सिटीजन एंड ओवरसीज कंपनीज अर्न इन दैट कंट्री तो हमने फॉरन से कितना अर्न किया

वो हमें चाहिए जब हम डोमेस्टिक इनकम देखते हैं जैसे जीडीपी देखते हैं तो सारे इंडियंस का इनकम वहां पे नहीं आया कहां पे जीडीपी पे क्योंकि जीडीपी में उन्हीं लोगों का इनकम आएगा जहां जिन्होंने इस देश में काम किया है बट किसी इंडियन ने जब बाहर से पैसा कमाया वो जीडीपी में था नहीं इसीलिए वो नेशनल इनकम निकालने के लिए एड करना जरूरी था सिमिलरली किसी फॉरेनर ने यहां से कमाया तो वो माइनस करना जरूरी है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये हमको बेटर पिक्चर देता है अबाउट नेशनल इनकम मतलब अगर मुझे नेशनल इनकम सही से निकालना है तो जीडीपी और जीएनपी में से जीएनपी हमें ज्यादा बेटर और ब्रॉडर पिक्चर देगा फॉर एक्साम्पल जीएनपी जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन ओवरसीज एंड इंडियन रेसिडेंट वर्किंग ओवरसीज बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दीज इन अदर वर्ड्स जीडीपी एक्सक्लूड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कॉन्वर्सली जीडीपी इंक्लूड्स अर्निंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन इन इंडिया दैट अक्रू टू फॉरन रेसिडेंट और फॉरन ओन फर्म्स जीएनपी एक्सक्लूड आइटम्स तो जीएनपी निकालते वक्त हम फॉरेनर्स का इनकम हटा देते हैं जीडीपी में जो रहता है फॉर इंस्टेंस प्रॉफिट अर्न बाय इंडिया इन इंडिया बाय एक्स कंपनी फॉरेन ओन वुड बी इंक्लूडेड इन जीडीपी बट नॉट इन जीएनपी तो फॉरेन कंपनी ने इंडिया में कमाया तो वो जीडीपी में आएगा बट जीएनपी में नहीं सिमिलरली प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी वाई एन इंडियन कंपनी इन यूके वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी बट इंक्लूडेड इन जीएनपी तो इंडियन कंपनी है अगर वो फॉरेन से पैसा कमा रही है तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं रहेगा बट जीएनपी का रहेगा तो ये जो पूरा पार्ट है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और याद रखना जो बेसिक में देखा था वही एक चीज जो डिफरेंशिएट है जीडीपी और जीएनपी में दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अब याद रखना ये भी डोमेस्टिक तीसरा वेरिएबल है बट यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ये पहली बात तो ये नेट है और डोमेस्टिक है और मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेशन चल रहे तो मार्केट प्राइस का तो हम देख लेंगे बट ये नेट और डोमेस्टिक है डोमेस्टिक है मतलब फिर से यहां वही गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आएगी जो इस टेरिटरी में बने हैं प्लस सिर्फ एक फर्क पड़ता है कि ये नेट है मतलब ग्रॉस में से हम जो कैपिटल कंजम्पशन होता है फिक्स कैपिटल या जो हम बोल सकते हैं कंजम्पन डिप्रिसिएशन जो होता है कैपिटल गुड्स का या इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू रिड्यूस होती है वो हमें माइनस करनी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाइट नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट डिंग एन अकाउंटिंग ईयर आखिर में बोल दिया लेस डिप्रिसन इस टेरिटरी में कितना बना किसी ने भी बनाया हो ध्यान रखना ये डोमेस्टिक इनकम है तो बनाया किसी ने भी हो इंडियन ने या फॉरेन ने अगर इस टेरिटरी में बना है तो वो नेट डोमेस्टिक का पार्ट रहेगा सिर्फ एक चीज जो हम यहां पे अलग से कर रहे हैं जी और एनडीपी में एक ही चीज अलग हो रही है जीडीपी में से डिप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं किया था एनडीपी निकालते वक्त हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे द पोर्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक यूज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और डेप्रीसिएशन मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनल सेल्स बिकॉज डिप्रिसिएशन रिप्रेजेंट कैपिटल कंजम्सन एंड देयर फोर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यहां से कैपिटल कंजम्पन आपका दिखता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो आपने गुड्स यूज किए थे कैपिटल गुड्स क्योंकि जो आपने इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए वो तो हमने आउटपुट माइनस इनपुट में कंसिडर कर लिए बट जो हमने कैपिटल गुड्स यूज किए थे उनका डिप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ेगा सी एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर हमें एनडीपी आएगा सेम फॉर्मूला अगर आपको याद होगा जीडीपी से हम शुरू कर रहे ध्यान रखना स्टार्टिंग पॉइंट जीडीपी है जाना एनडीपी पे है तो पहला वर्ड जीडीपी ग्रॉस इधर नेट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन बाकी तो दोनों डोमेस्टिक है दोनों मार्केट प्राइस पे है तो बाकी दो एडजस्टमेंट्स इस फॉर्मुला में नहीं आएंगी एज यू आर अवेयर द बेसिस ऑफ दिस्टिंगशन बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल शॉर्ट में आगे सी एफ सी ऐसा भी रेफर किया है याद रखना ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही आगे दो तीन पॉइंट में ऐसा शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने CFC. अब ये CFC क्या है वो याद रख लेना कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब ही डेप्रिसिएशन की अमाउंट

सेंटेंस पढ़ेंगे आपको एक्सैक्टली exactly ये दो चीजें सेम सिमिलर टाइप का सेंटेंस रहेगा कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस सर्विस बट दो पॉइंट रहेंगे डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया है एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम किया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज अ मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एक्सक्लूडिंग डिप्रीसिएशन मतलब हम add करेंगे और depreciation इसमें minus हुआ होगा, so that हमें जो मिलेगा वो है net national product. अभी भी हम मार्केट प्राइस पे ही है, आगे फैक्टर कॉस्ट के पॉइंट्स आएंगे ना अब यहाँ पे अगर इसके फॉर्मुलेज हम पढ़ते हैं तो अलग 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 फॉर्मुलेज दिए जैसे अगर पहला फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट होता है GNP एट मार्केट प्राइस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से मुझे जाना है एट मार्केट प्राइस तो दोनों में पहला वर्ड देखो ग्रॉस से स्टार्ट हो रहा है नेट पे खत्म हो रहा है तो माइनस डेप्रिसिएशन करो बात खत्म अगर मैं एनडीपी से स्टार्ट करता हूं तो पहला वर्ड दोनों जगह नेट है डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट नहीं एनडीपी में सेकेंड वर्ड डोमेस्टिक है और जाना नेशनल है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहीं से भी शुरू करो कहीं पे भी पहुंचो एंड लास्ट वर्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी

इनकम मेथड के एंगल से भी आगे फॉर्मूलेस दिए रहेंगे इसी पार्ट में तो उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है तो ये चार बेसिक कंसेप्ट अभी तक हमने देख लिए जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी ये मार्केट प्राइस के देखे अब इसी से रिलेटेड फैक्टर कॉस्ट वाले पार्ट आपको दिए हैं सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अब वन बाय वन फिर से वही से शुरू करते हैं फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इन दोनों में फर्क दो चीजों का है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज तो हम माइनस करते हैं और सब्सिडीज प्लस द प्रोडक्शन एंड इनकम अप्रोच विच वी विल डिस्कस लेटर इन दिस यूनिट मेजर्स द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज द कॉस्ट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देर फॉर इट इज नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड

हमने देखा था मार्केट प्राइसेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस एड होते हैं सब्सिडीज माइनस होती है तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टाइप की कैटेगरीज है वो दिया है पहला प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज दैट आर पेड और रिसीव्ड ऑब्वियसली अगर टैक्स है तो लोगों ने या प्रोड्यूसर्स ने गवर्नमेंट को दिया है और सब्सिडी है तो गवर्नमेंट ने लोगों को पे किया है प्रोड्यूसर्स को या लोगों को रिसीव हुआ है अगर सब्सिडी है तो प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज दैट आर पेड और रिसीव्ड इन रिलेशन टू प्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोडक्शन टैक्सेस मतलब जैसे अगर आपको अप्रूवल है लाइसेंस फीस है आप कितना भी प्रोडक्शन करो बट आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ फीस पहले लाइसेंस के लिए देने पड़ रही ऐसे जो है वो प्रोडक्शन टैक्सेस है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस आर लैंड रेवेन्यूज जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चार्जेस होते हैं तो आप कहीं पे अपना प्रोडक्शन यूनिट चलाते हो अब आप कितने भी यूनिट बनाओ स्क्वायर फुटेज पे आपका जितना लैंड है उसके हिसाब से म्यूनिस्पल कमीशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपसे टैक्स लेती है तो ध्यान रखना ये कौन सी कैटेगरीज है प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज ये वो है जिनका वॉल्यूम से इंडिपेंडेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम आप प्रोडक्शन कितना भी करो ये टैक्सेस सेम रहेंगे ऐसे टैक्सेस को बोला है प्रोडक्शन टैक्सेस और सब, और अगर कुछ मिलता है तो सब्सिडीज वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है अगली कैटेगरी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा टैक्स स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फीस टैक्स ऑन प्रोफेशन फैक्ट्री लाइसेंस फीस टैक्सेस टू बी पेड टू द लोकल अथॉरिटीज पोल्यूशन टैक्स एक्सेट्रा एक्साम्पल्स ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडीज आर सब्सिडीज टू रेलवेज को दिया है सब्सिडीज टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज तो अगर एक सर्टन अमाउंट देते हैं आप प्रोडक्शन कुछ भी करो बट आप एक बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करो इसलिए गवर्नमेंट आपको एक लाख रुपए की सब्सिडी देता है फिर तो आप स्टार्ट करो प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो अमाउंट फिक्स रहेगी ऐसी सब्सिडीज या ऐसे टैक्सेस जो है वो प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज दूसरी कैटेगरी है प्रोडक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है कि आपका जितना ज्यादा प्रोडक्शन और सेल होगा उतना ज्यादा टैक्स लगेगा जैसे जो आपके रेगुलर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे जीएसटी एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स एक्सेट्रा प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज दैट आर पेड और रिसीव्ड ऑन पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब जितने ज्यादा यूनिट उतने ज्यादा ये टैक्सेस साथ में बढ़ते जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट टैक्सेस आर एक्साइज ड्यूटीज सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज आर फूड पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो पर यूनिट के हिसाब से मिलती है तो ध्यान रखना ये जो taxes, जिनका और में जाता है वो दो कैटेगरी दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है हम बाद में कभी मतलब जब सेशन हमारे कम्पलीट होते रहेंगे तो हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे तो जब एग्जाम में आप देखोगे तो ऐसा है की दो दो, -दो, -दो मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं तो दो मार्ग के लिए ऐसा छोटा सा कंसेप्ट पूछना बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि मार्केट और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं उनकी कैटेगरीज कौन से है तो एक प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज दूसरे प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है द मार्केट प्राइस विल बी लोअर बाय द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज ऑब्वियसली फैक्टर से मार्केट प्राइस में अगर देखो तो सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस कम होती है और टैक्सेस की वजह से बढ़ती है द मार्केट प्राइस विल बी लोअर

डायरेक्ट टैक्सेस का प्रोडक्ट की वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ता वो आपके इनकम और वेल्थ पे लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे लगते हैं तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफ्रेंशिएट करने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस है डायरेक्ट टैक्सेस का उसमें रोल नहीं है डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट है सेम इफेक्ट सींस दे डू नॉट इम्पिंज डायरेक्टली ऑन अ ट्रांजेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस ट्रांजेक्शन पे नहीं लगते हैं बट आर लेव इड डायरेक्टली ऑन द इनकम्स फॉर एग्जाम्पल इफ फैक्टर्स ऑफ

तो सब्सिडी से वो वैल्यू कम हो जाएगी तो फाइनल मार्केट प्राइस जो आएगी देन मार्केट प्राइस विल बी 55 तो मार्केट में ध्यान रखना एक्चुअल ओनर्स ने कमाए कितने 50 मार्केट में प्रोडक्ट कितने में मिला 55 फाइव प्रॉब्लम यह है कि मार्केट ये जो 55 है ये अल्टीमेटली ओनर्स ने नहीं कमाए ओनर्स ने कितने कमाए सिर्फ फिफ्टी तो अगर आपको सही वैल्यू निकालनी है अगर आपके पास मार्केट प्राइस था मतलब कितना फिफ्टी मार्केट प्राइस था जिसमें इंडायरेक्ट टैक्सेस और यहां से आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो मतलब 15 यहां पे जो टैक्सेस माइनस होंगे वो है 15 और प्लस सब्सिडीज ऐड करो 10 तो आप पहुंच जाओगे 50 विच इज अ फैक्टर कॉस्ट आगे फॉर्मुल में भी वही दिया है दस वी फाइंड दैट द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि एक हम प्लस करते हैं दूसरा माइनस तो हम उसको नेट भी कर सकते हैं जैसे फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को किया था सेम वे से, मार्केट प्राइस अब याद रखना शुरू कहां से किया उन्होंने फैक्टर कॉस्ट कोई भी चीज अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट पे दी है और आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही नीचे एक्सप्लेन किया है प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज फैक्टर से मार्केट निकालने के लिए अगर मार्केट प्राइस गिवन है और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज अब ये चीज इस पर भी डिपेंडेंट रहेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे इलेस्ट्रेशन भी हम देखेंगे तो जहां पे कभी कभी डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया रहता है और कुछ क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग से देते हैं सब्सिडीज अलग से ना आगे बढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अब ये बेसिकली फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट शुरुआत कहां से कर रहे है? देख लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो दोनों जीडीपी है बट एक मार्केट और एक फैक्टर सो माइनस मार्केट से फैक्टर कॉस्ट जाना है माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज ये पर्टिकुलर पार्ट part. अब इसके अलावा अब थोड़ा ध्यान से सुनना है इसी फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बीच में एक और चीज लाई है इस बार वो इनकम मेथड के अप्रोच को लेके आते हैं ध्यान से देखना कि ये क्या हो रहा है अब यहां पे अगर आप ध्यान दे दोगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस ऑपरेटिंग सरप्लस अब ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है जो उन्होंने फॉर्मूला में ही दिया है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट अब इनकम मेथड अगर आपको याद होगा मैंने तीनों मेथड को ब्रीफली डिस्कस किया है उनको डिटेल भी हम डिस्कस करने वाले हैं बट अभी इसी फॉर्मूला में हमको उन तीनों का एंगल समझना जरूरी है कि अगर मैं आउटपुट मेथड ध्यान रखना आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडेड निकालेंगे जिससे हमें जीडीपी मिल जाता है जीडीपी से हमें मिल जाएगा जीडीपी से फिर हम आगे एडजस्टमेंट करके निकाल मार्केट प्राइस पे वो भी जीडीपी से मार्केट प्राइस पे मिलेगा और उसको हम एडजस्टमेंट करके निकाल सकते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो भी आपके डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेट्रा अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड मैंने एक्सपेंडिचर का भी फॉर्मुला बोला था मैंने एक्सप्लेनेशन उसका मेथड में आएगा बट मैंने बोला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और अगर मैं अगर मैं इनकम इनकम मेथड मेथड से से हम कैलकुलेट करते हैं तो कंसेप्चुअली सबसे बेटर क्लियरिटी रहती है कि जितने भी आपके देश के लोग हैं पहले उनको पूछो कि तुमने कितना रेंट कमाया कितना वेजेस कमाया कितना इंटरेस्ट कितना प्रॉफिट इससे आपको डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट मिलता है याद रखना डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट क्योंकि हम ये मार्केट प्राइस का प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं देख रहे हम डायरेक्टली फैक्टर ओनर्स को पूछ रहे कि तुम्हारा रेंट कितना इंटरेस्ट कितना वेजेस कितना प्रॉफिट कितना तो जब हम इनकम मेथड से जाते हैं ध्यान से सुनना इनकम मेथड से जाते हैं तो हमें डायरेक्टली डेटा फैक्टर कॉस्ट पे मिलेगा क्योंकि हम प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं देख रहे हम फैक्टर ओनर्स की इनकम देख रहे जब मैं आउटपुट और एक्सपेंडिचर मेथड यूज करता हूं तो वहां पे हम मार्केट वैल्यूज से जाते हैं तो ये फर्क याद रखना ये आपको आंसर निकालने में और इलेस्ट्रेशन सोल्व करने में मदद करेगा प्लस जब हम द एंड ऑफ यूनिट जाएंगे तो वहां पे हमको हैं और है एडिशन है तो है, तो करना पड़ेगा रेंट की क्वेश्चन में दिया रहेगा रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट ये चारों फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो यहां से आपको डिरेक्टली फाइनल आंसर मिलेगा क्यों क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हम माइनस करके रखते हैं प्रॉफिट निकालने के पहले हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे पांच याद रखना इनकम मेथड में मैं अगर हूं मैं यहां पे लिख देता हूं इनकम मेथड से अगर मैं नेशनल इनकम निकाल रहा हूं रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यहां से मुझे डायरेक्टली एन एन पी मिलता है डायरेक्टली एन एन पी मिलता है अब मान लिया जाए कि मैंने सिर्फ इन चारों चीजों की एडिशन की रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट नेट फैक्टर इनकम नहीं किया अब ऑब्वियसली अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं किया है मतलब यह मिला है मुझे एनडीपी क्या मिला है एनडीपी वो भी याद रखना ये फैक्टर कॉस्ट पे मिलता है इन सबके एडिशन से ये जो मिलेगा ये फैक्टर कॉस्ट से मिलेगा तो अगर मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एड नहीं किया है तो वो है एनडीपी वो एन नहीं रहेगा क्योंकि फैक्टर फैक्टर नेट इनकम की एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो वो रहेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इस तरीके से अगर मैंने सिर्फ रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की है तो अब यहां पे देखो फॉर्मूला में कंपेन्शन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एक और मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऑब्वियसली इसमें एक वो भी रहेगा अगर मिक्सड इनकम है तो वो भी एक फैक्टर रहेगा अब ये जो सारी चीजें है ना यहां तक एकदम ध्यान से सुनना है और समझना है यहां तक जो एडिशन हुई है इसी बॉक्स में वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड मिक्स इनकम इतना पार्ट आपको देता है एनडीपी डांसिंग लेटर्स आ रहे हैं बट ध्यान देना फैक्टर से आपको मिला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बट अभी जो हमें डिराइव करना है वो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और इसीलिए ये नेट है हमें जाना है ग्रॉस इसीलिए वहां पे उन्होंने एक और एडजस्टमेंट की है दैट इज प्लस डेप्रिसिएशन तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये इनकम मेथड के एंगल से दिया गया है ध्यान से सुनना कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया आपका रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट फिर आ गए मिक्सड इनकम तो ये आपको देता है याद रखना फॉरेन इनकम के एडजस्टमेंट नहीं है बेसिकली इतना पार्ट आपको दे देता है एनडीपी बट हमें तो कैलकुलेशन जो हमारा फॉर्मूला जो उन्होंने दिया है वो जीडीपी का दिया है अब एनडीपी से जीडीपी जाना है तो एक और चीज लगेगी प्लस डेप्रिसिएशन फॉर्मुलेज आप घुमा फिरा के कैसे भी बना सकते हो जैसी मेथड होती है उस मेथड के हिसाब से ये फॉर्मूलेज बनाए जा सकते हैं तो पहला पार्ट जो हमें दिया है डायरेक्टली वो आउटपुट मेथड से था उन्होंने फॉर्मुलेज में पहली बार इनकम मेथड का अप्रोच वहां पे इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप इनकम मेथड से जा रहे हो तो भी आप एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हो तो जितने भी डोमेस्टिक है उन सबके फैक्टर इनकम निकालो डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट मिलेगी आपको इनकम मेथड से अगर आप आउटपुट और एक्सपेंडिचर से जाते हो तो पहले मार्केट मिलता है फैक्टर निकालना पड़ता है इनकम मेथड से आई विल रिपीट डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट आपको मिल जाता है क्योंकि वो मार्केट वैल्यू से नहीं है फैक्टर ओनर्स के नंबर लेके हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरीके से ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का ये फॉर्मूला भी बन सकता है आगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज डिफाइंड एज टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन

मेजर दैट वी ऑप्टेन इज सो कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो हमारे पास अगर एनडीपी एट मार्केट प्राइस है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस प्लस सब्सिडीज एड करके हम ये निकाल सकते हैं so, अगर यहाँ पे आप देखते हो दो फॉर्मूला है बेसिकली इसमें पहला फॉर्मूला ये है जहां स्टार्ट हुआ है एनडीपी एट मार्केट और निकालना है एनडीपी एट फैक्टर सिर्फ मार्केट और फैक्टर का डिफरेंस है तो क्या किया उन्होंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप उसको ऐसा माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज ऐसा भी लिख सकते हो अगला इसी चीज का दूसरा फॉर्मूला ध्यान से देखो क्या है कंपेसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब यहां पे आ गए वेजेस ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम यही चीज मैंने आपको ऊपर बोली थी कि क्या है एनडीपी अब अगर आप इतना पार्ट याद रखना ये बॉक्स जो मैंने वापस बनाया है ये बॉक्स और इसी पेज के ऊपर का ये बॉक्स ये पूरा पूरी अमाउंट ये दोनों बॉक्स का अगर आप डिफरेंस देखते हो ध्यान से सुनना है और समझना है ये दोनों बॉक्स का अगर डिफरेंस देखता हूं दोनों जगह कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉज है ऑपरेटिंग सरप्लस है मिक्स्ड इनकम है सिर्फ यहां पे एक, एक एक्स्ट्रा चीज है वो है प्लस डेप्रिसिएशन क्योंकि इतना पार्ट आपको देता है एनडीपी जो नीचे भी दिया है और ऊपर जीडीपी का फॉर्मूला निकालना था तो एनडीपी से जीडीपी जाना है प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा और सेम वर्ड्स सेम वर्ड्स यहाँ पे है सिर्फ ये नेट डोमेस्टिक था इसलिए डिप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है तो उसका अलग से कुछ नहीं किया है तो याद रखना मेथड्स के हिसाब से फॉर्मुलाज अलग अलग होते हैं डेटा आपको अलग अलग तरीके से दिया जाएगा इसमें तीसरी मेथड भी इंट्रोड्यूस होगी एक्सपेंडिचर मेथड जहां पे हम एक्सपेंडिचर के हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे और तीनों मेथड्स पे हमें न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन दिए आपके स्टडी मटेरियल में ही दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूडेड भी है नोट्स में

फाइनल पैसे कितने कमाए वो रहेगा आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट सी इट इज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम डोमेस्टिक है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इन अदर वर्ड्स नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इन एन अकाउंटिंग ईयर तो जितना कंट्री में कमाया उतना प्लस एब्रॉड से जो आया सो आयानपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द फाइनल नेशनल इनकम दो चीजें ऐड है Factor income earned in domestic territory and net factor income from abroad. If net factor income from abroad is positive, then national income will be greater than domestic income. ये तो हमने देखा ही है कि national income अगर foreign income, net factor income from abroad positive होता है, तो national ज़्यादा रहेगा domestic कम and vice versa. फिर आगे दिया है per capita income per person कितना income है. तो जो भी हमारा GDP आता है factor cost पे divided by population करो, तो आपको ये per capita income मिलेगा. जीडीपी पर कैपिटा इज अजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन इट इज ऑप्टेन बाई डिडिंग फॉर्मुला कंट्रीज जीडीपी एडजस्टेड बाय इनेशन ये इन्फ्लेशन जो एडजस्टेड की बात कर रहे हैं वो रियल और कॉन्स्टेंट वाला पार्ट होता है जो आगे के सेगमेंट में कवर होने वाला है बाय टोटल डिवाइडेड बाय द पॉपुलशन इट सर्व एज एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री इन जनरल ऑन एन एवरेज कितना इनकम आता है ये हमें पर कैपिटा इनकम से पता चलेगा फिर पर्सनल इनकम अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रहने वाला है तो थोड़ा ध्यान से बहुत अच्छे से इसको देना है इसके ऊपर आगे न्यूमेरिकल्स भी है तो बहुत ध्यान से समझना है जब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है पर्सनल इनकम इज बेसिकली नेशनल इनकम क्या है वो तो हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बट पर्सनल इनकम इज इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल ये पर्सनल इनकम है जो इनकम उन्होंने रिसीव्ड किया है ध्यान से सुनना जो रिसीव्ड किया है अर्न किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता है रिसीव्ड जो किया जैसे हमने एक कंसेप्ट देखा है ऑलरेडी ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता है बट वो पर्सनल इनकम में आएगा ये ध्यान रखना और पर्सनल इनकम ये किसी एक पर्सन की बात नहीं करे सारे पर्सनल इनकम पूरे देश में इंडिविजुअल्स ने जितना भी कमाया या रिसीव्ड किया राधर अर्ड एंड रिसीव्ड किया है वो पार्ट जो है वो आता है आपका पर्सनल इनकम सो इट इज इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल सो रिसीव्ड है अर्न किया है या नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता इसीलिए इसमें दो तीन एडजस्टमेंट होती है जैसे पहला पार्ट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम अब हमने देखा है कि नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर इनकम कंसिडर नहीं करते हैं तो अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको नेशनल इनकम दिया जाता है बोलते हैं पर्सनल इनकम कैलकुलेट करो तो नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम करोगे तो ये ट्रांसफर इनकम ऐड करो या पर्सनल से नेशनल निकालोगे तो ट्रांसफर इनकम माइनस करो जैसे ट्रांसफर इनकम होते हैं वैसे कुछ और भी चीजें होती है दैट अर्नड बाय इंडिविजुअल्स अर्नड बट नॉट रिसीव्ड जैसे ट्रांसफर इनकम के लिए अगर आपको याद होगा जब बेसिक हम देख रहे थे तो हमने देखा था रिसीव्ड ये स्पेसिफिक लाइन हमने पढ़ा हुआ है रिसीव्ड बट नॉट अर्ड ये पर्सनल में रहेगा सेम वे होता है अर्नड नॉट रिसीव ये एक्सक्लूड किया जाएगा एक्सक्लूडेड फ्रॉम पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम में ये नहीं होगा बट नेशनल इनकम में ये कंसिडर होगा ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जब एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है तो सैलरी मिलते वक्त ऐसा होता है कि प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा ये रूल्स की वजह से एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट उनका डिडक्ट करता है और सैलरी नेट उनको मिलती है अब से फॉर एक्जाम्पल उसकी किसी पर्सन की मंथली सैलरी है ट्वेंटी और वन थाउजेंड रुपीज का पी का पेमेंट डिडक्ट किया गया तो उसका मंथली इनकम ट्वेंटी थाउजेंड है बट उसके हाथ में रिसीव्ड सिर्फ नाइन्टी थाउजेंड हो उसने कमाए बीस हजार बट ये पी के हजार रुपए कभी उसके हाथ में नहीं आए ये हजार रुपए उसी के नाम पे पीएफ डिपार्टमेंट में जमा है बट वो उसको खर्च नहीं कर पाएगा और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये अर्नड है बट रिसीव्ड नहीं है और प्लीज याद रखना जब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम की पर्सनल इनकम की तो वो रिसीव्ड वाली चीजें इंक्लूड करता है जो रिसीव्ड नहीं हुई वो एक्सक्लूड होंगी तो दो अपोजिट साइड है रिसीव्ड बट नॉट अर्न पर्सनल इनकम में रहेगा नेशनल में नहीं रहेगा रिसीव्ड सॉरी अर्न बट नॉट रिसीव्ड ये नेशनल इनकम में रहेंगे लेकिन पर्सनल इनकम में नहीं तो इस वर्ड पे ये रिसीव्ड वर्ड पे फोकस रखना है आपको पढ़ेंगे हम वेल नेशनल इनकम इज इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर इवन कॉर्पोरेट्स का इनकम कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है कंपनीज का कंपनीज में जो भी प्रॉफिट आता है अब दो चीजें होती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से सर्टन तीन चीजें डिवाइड करता है एक गवर्नमेंट को टैक्स एक डिविडेंड और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेफिनेटली अभी तक पढ़ लिया होगा नहीं भी पढ़ा होगा तो आपके इलेवन ट्वेल्थ बेसिक्स में कभी ना कभी तो ये आया होगा कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी उस पर टैक्स देती है गवर्नमेंट को कुछ पार्ट वो डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है और कुछ रिटेन्ड अर्निंग होता है तो जो रिटेन्ड अर्निंग है वो कभी रिसीव्ड नहीं होता वो कॉर्पोरेट्स के पास ही पड़ा हुआ रहता है जितना डिविडेंड है उतना ही रिसीव्ड होता है तो अगर मेरे पास नेशनल इनकम का डेटा है जिसमें कंपनी का टोटल प्रॉफिट था बट मुझे पर्सनल इनकम निकालना है याद रखना मुझे नेशनल इनकम दिया है और वहां से मुझे आना है पर्सनल इनकम तक तो कंपनीज के प्रॉफिट का जो पार्ट कंपनीज के पास ही रह गया जैसे कि यह गवर्नमेंट को चला गया जैसे टैक्सेस बाय कॉरपोरेट गवर्नमेंट को जो उन्होंने इनकम टैक्स पे किया एंड रिटेन अर्निंग जो पैसा उन्होंने खुद के पास ही रखा ये दो चीजें नेशनल इनकम में है बट पर्सनल इनकम निकालते वक्त वो मुझे हटानी पड़ेगी क्योंकि ये सिर्फ हाउस होल्ड याद रखना हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स को कितना मिला कॉर्पोरेट्स का भी जितना पैसा कॉर्पोरेट ने अपने हाथ में रखा वो उनका नेशनल इनकम का पार्ट रहेगा बट पर्सनल इनकम का नहीं तो वापस याद रखना इंडिविजुअल को क्या क्या रिसीव हुआ उनके हाथ में आया वो हमें पर्सनल इनकम में कंसिडर करना होता है सी इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सेविंग हाउस सर्विंग सॉरी सर्विंग हाउस जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से जो डोनेशंस वगैरह लेके लोगों के लिए काम करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे दस मतलब ऐसा है कि अगर जो उन इंस्टीट्यूशन को जो डोनेशन आते हैं वो हम पर्सनल इनकम में कंसिडर करेंगे अदरवाइज डोनेशन भी ट्रांसफर पेमेंट होता है जो नेशनल इनकम में एड नहीं होगा दस नेशनल इनकम इज मेजर ऑफ इनकम अर्ड एंड पर्सनल इनकम इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम रिसीट्स फिर से एक बार बोल दिया रिसीट पर्सनल इनकम ये रिसीट का पार्ट होता है नेशनल इनकम अर्ड का पार्ट होता है और पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस

ंडिविजुअल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इनकम विच दे डू नॉट एक्चुअली रिसीव मतलब अर्न किया है बट रिसीव नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट अब जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम इंडिविजुअल्स और कंपनीज दोनों का इनकम ऐड करते हैं अब कंपनीज का इनकम नेशनल इनकम में एड था बट जितना पार्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया प्रॉफिट का जो पार्ट रिटेन करके रखा है वो इंडिविजुअल्स तक आया नहीं तो वो हटाना पड़ेगा एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑफ एम्प्लॉयस टू सोशल सिक्योरिटी जो प्रोविडेंट फंड का एक्जाम्पल लिया कि सैलरी में तुम्हारी सैलरी बीस हजार है बट पी एफ के हजार रुपए कटने से तुम्हारे हाथ में रिसीव सिर्फ उन्नीस हजार होते हैं तो पर्सनल इनकम के लिए वो नाइनटीन थाउजेंड रिलेवेंट है नेशनल इनकम के लिए ट्वेंटी थाउजेंड रिलेवेंट है पर्सनल इनकम एक्सक्लूज पर्सनल इनकम एक्सक्लूड रिटेन अर्निंग कंपनीज के मतलब अगर आपको नेशनल इनकम दिया है और वहां से पर्सनल इनकम निकालना है तो आपको ये कंपनी के रिटेन अर्निंग हटाने पड़ेंगे क्योंकि वो कॉर्पोरेट के पास है पर्सनल्स के हाथ में या ओनर्स के शेयर होल्डर्स के हाथ में नहीं आया इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटीज तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब पी वगैरह के अमाउंट पी एफ की जो अमाउंट जो उनके सैलरी से कट हो गई ये सारी चीजें पर्सनल इनकम में नहीं आएंगी हाउस होल्ड रिसीव्ड इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फर्म्स एंड गवर्नमेंट दे ऑल्सो मेक इंटरेस्ट पेमेंट टू द फर्म्स एंड गवर्नमेंट अब इसका याद रखना आगे भी का पॉइंट भी पढ़ लेते हैं एज सच नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम ये भी याद रखना जो हाउस होल्ड को मिलने वाला इंटरेस्ट है वो नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होता है हाउस होल्ड को जो भी इंटरेस्ट इनकम आता है उसको एज एन इंटरमीडिएट ट्रीट किया जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अगर किसी कंपनी को लोन दिया कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है तो प्रॉब्लम है कि कंपनी के लिए वो इंटरमीडिएट पार्ट है जिस पैसे का यूज उन्होंने किया है तो उनके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है सेम वे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट किया है पब्लिक ये वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा कि गवर्नमेंट जो लोन लेता है गवर्नमेंट उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है पब्लिक पब्लिक को डेट पे वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए इंटरमीडिएट ट्रीट होता है हमें सिर्फ फाइनल का चाहिए तो इंटरमीडिएट ट्रीट होता है इसलिए वो नेशनल इनकम से एक्सक्लूडेड रहेगा तो ये जो इंटरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट और फर्म पे करते हैं वो नेशनल इनकम में नहीं है बट पर्सनल इनकम में हम उनको इंक्लूड करेंगे

जो रिसीव्ड हुए नेशनल इनकम में नहीं थे बट पर्सनल वालों में रिसीव्ड हुए जैसे पेंशन वगैरह तो हमें ऐड करने पड़ेंगे और कोई पार्ट जो अर्न हुए है बट रिसीव नहीं हुए वो माइनस करने पर्सनल इनकम इक्वल्स टू एक और उसी का डिटेल एग्जाम्पल दिया है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये कॉर्पोरेट्स के पास रह जाता है पर्सनल्स के हाथ में या इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं आता इसलिए माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड अब नेट इन नेट बोल दिया मतलब जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल्स uh, को दिया वो ऐड करो जो इंडिविजुअल्स ने गवर्नमेंट को दिया वो माइनस करो इस तरीके से नेट कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे करती है ट्रांसफर पेमेंट टू द ये माइनस किए ये सारे फैक्टर ध्यान रखना क्या क्या माइनस किया जो रिसीव्ड नहीं हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिसीव नहीं हुए नेट इंटरेस्ट पेमेंट हाउस होल्ड ने ये पैसा गवर्नमेंट को या कॉरपोरेट को दिया है कॉरपोरेट टैक्स जो इंडिविजुअल्स तक नहीं आया कंपनी ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया तो जो इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं आया वो माइनस होगा नेशनल इनकम में से एंड जो इंडिविजुअल्स के हाथ में आया ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट ये ऐड होगा सी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट नेशनल इनकम इज नॉट द सम ऑफ पर्सनल इनकम बिकॉज पर्सनल इनकम इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम दोनों सेम नहीं है ये ऑब्वियसली हम देख चुके दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या है वही हमने डिस्कस किया फर्दर

तो पर्सनल इनकम का वो पार्ट ध्यान से रुकना पर्सनल इनकम का वो पार्ट जो इंडिविजुअल खर्च कर सकते हैं दैट इज डिस्पोजेबल इनकम तो पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो तो आपको डिस्पोजेबल इनकम मिलेगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन और सेविंग या तो खर्च करो या तो सेव करो बट पर पूरा पर्सनल इनकम आप खर्च या सेव नहीं कर सकते कुछ पार्ट डायरेक्ट टैक्सेस में जाएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज डिराइव फ्रॉम पर्सनल इनकम बाय बायसिंग द डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय इंडिविजुअल एंड अदर कंपलसरी पेमेंट्स मेड टू द गवर्नमेंट डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स अगर हमने गवर्नमेंट को कुछ किए हैं तो अपार्ट फ्रॉम द अबव एग्रीगेट अ फ्यू अदर एग्रीगेट आर रिपोर्टेड इन इंडिया दिस रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी डिस्पोजअप टू मोर कंसे नीड टू अंडरस्टेंड नेमली छोटे से दो कंसेप्ट है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल नहीं नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम प्लस अदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर फॉरन से कुछ ट्रांसफर्स अगर आपको आए डोनेशन आए हैं तो वो खर्च करने के लिए प्लस याद रखना यहां पर भी वो क्या बोल रहे हैं अदर नेट मतलब अगर इंडियंस ने बाहर कुछ डोनेशन दिए तो वो माइनस होगा बाहर से कुछ आया है तो वो प्लस होगा और ये पूरा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम उसी को आगे थोड़ा और इलेबरेट कर रहे वो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इसी चीज को नेट नेशनल इनकम सेम चीज प्लस नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड बाहर से अगर कुछ टैक्सेस आने वाले हैं प्लस नेट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड तो ये जो बेसिकली क्या है ये दोनों फॉर्मूला में ये जो अदर नेट है ना अदर नेट करंट ट्रांसफर ये इस पूरे बॉक्स में दिए एक टैक्सेस के थ्रू और दूसरे सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू नेक्स्ट जी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम अब ये बहुत ही सिंपल है ऊपर नेट नेशनल डिस्पोजेबल है नीचे ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल है अब ये तो बहुत बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि अगर आपको नेट से ग्रॉस जाना है प्लस डेप्रिसिएशन करो बात खत्म सी ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक सॉरी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल डिस्पोजेबल प्लस सी अब सी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कंजम्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब ही क्या है कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब ही क्या हो जाता है सीएफसी में मतलब ही नेट में करो तो आपको ग्रॉस मिल जाता है जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम प्लस अदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो ग्रॉस निकालना है तो जीएनआई से शुरू करो नेट निकालना है तो एनएनआई से शुरू किया और जो भी एब्रॉड से आने वाला ट्रांसफर है या तो टैक्सेस के थ्रू या तो डोनेशन के थ्रू बट याद रखना ये दोनों नेट बात करें मतलब जैसे फॉरेन से अगर हमारे पास कुछ टैक्स इनकम आएगा तो यहां से अगर कुछ जाने वाला है तो माइनस करो जैसे फॉरेन से डोनेशन आते हैं तो यहां से भी कुछ जा रहे हैं तो उनको माइनस करो तो ये जो सारा पार्ट है ये है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट कैलकुलेशन के हिसाब से ध्यान रखना है फिर आगे डोमेस्टिक इनकम के लिए वो बात करें डोमेस्टिक इनकम में बी कैटेगराइज इन टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रोर्डिंग टू पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट को विच इंक्लूड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रनरशिप अक्रोर्डिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग ऑफ ए नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस याद रखना यह सारा इनकम गवर्नमेंट को जा रहा है गवर्नमेंट भी अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज करता है वहां से वो पैसे कमाते हैं तो वो भी वहां पर रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट वगैरह कमा सकते हैं उनके भी सेविंग होंगे जैसे कॉर्पोरेट के रिटेन अर्निंग है वैसे उन्होंने बो, देखो क्या बोला है टल इंटरप्राइजेस के सेविंग्स तो गवर्नमेंट कंपनीज होती है फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं ये सारा जो इनकम है ये पब्लिक सेक्टर का इनकम है ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं आएगा तो पर्सनल इनकम ये भी एक पार्ट रहेगा जो पर्सनल इनकम में नहीं आता ये भी ध्यान रख लेना जो भी इनकम गवर्नमेंट को जैसे कॉर्पोरेट को मिलने वाला इनकम हम पर्सनल में नहीं काउंट करते सेम वे गवर्नमेंट का जो इनकम है जो गवर्नमेंट बिजनेस करके कमाता है वो भी पर्सनल इनकम में नहीं आएगा वो नेशनल इनकम में आएगा बट पर्सनल में नहीं आएगा नेक्स्ट दूसरा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रोर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वाले में ये नहीं आएगा सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस जो भी नेशनल इनकम है उसमें से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रीनरशिप अक्रोडिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माइनस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज तो प्राइवेट इनकम प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स प्लस कारपोरेट प्राइवेट इनकम प्राइवेट इनकम इज अ मेजर ऑफ इनकम बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम विच अक्रूस टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेस विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री याद रखना इन्क्लूडिंग ट्रांसफर प्राइवेट इनकम इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूडिंग टू प्राइवेट सेक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेट नेशनल डेट इंटरेस्ट मतलब गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करता है याद रखना हमने देखा कि वो पर्सनल इनकम में एड होगा नेशनल डेट पब्लिक डेट जो है पब्लिक डेट का इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वो इंटरमीडिएट या कंजम्पशन पर्पज के लिए मान के लिया जाता है ये बेसिक कंजम्पन है अब गवर्नमेंट दोनों चीजों में डालता है मतलब इन्वेस्टमेंट भी करता है कंजम्पशन भी करता है बट एक चीज अज्यूम करके ये ट्रीटमेंट दी जाती है इसके ऊपर काफी डिबेट होता है या काफी ओपिनियन डिफरेंसेस है बट ट्रीटमेंट हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो याद रखना जो नेशनल डेट का इंटरेस्ट है पब्लिक डेट का इंटरेस्ट है वो नेशनल इनकम में एड नहीं होगा बट पर्सनल इनकम में होगा करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो जो भी बाहर से पैसा आया है प्राइवेट इनकम तो याद रखना अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं थोड़ा सा ध्यान देना है आखिरी के पांच मिनट रहेंगे फिर यह सेशन कंक्लूड होगा कि प्राइवेट और पर्सनल इनकम में क्या अब हमने नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम का डिफरेंस तो देखा प्राइवेट और पर्सनल इनकम का क्या डिफरेंस है याद रखना जब मैं बोलता हूं प्राइवेट इनकम अर्ड एंड रिसीव्ड बाय प्राइवेट सेक्टर अब इस प्राइवेट सेक्टर में दो आते हैं हाउस होल्ड प्लस कॉरपोरेट प्राइवेट इनकम में इसमें से अगर सिर्फ हाउस होल्ड इन इनका पार्ट अगर हमने लिया कि उन्होंने कितना कमाया और रिसीव किया रिसीव्ड वाला पार्ट तो वो आएगा पर्सनल इनकम तो कॉर्पोरेट्स के इनकम याद रखना प्राइवेट इनकम पब्लिक इनकम एंड पर्सनल इनकम ये तीनों चीजें अलग अलग है प्राइवेट इनकम मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक इनकम जो गवर्नमेंट को हुआ वो उसके पास ही रहेगा प्राइवेट में दो लोग होते हाउस होल्ड एंड कॉर्पोरेट तो उसमें से जो हाउस होल्ड ने रिसीव किया है वो पर्सनल इनकम तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पर्सनल और प्राइवेट इनकम में मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं पूरा ही लिखते हैं पर्सनल ओके जस्ट अ सेकेंड पर्सनल और प्राइवेट इनकम में प्राइवेट इनकम ज्यादा आएगा सो प्राइवेट इनकम ज ग्रेटर देन पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम इज ग्रेटर देन पर्सनल इनकम बिकॉज प्राइवेट इनकम में हाउस होल्ड एंड कॉरपोरेट दोनों के रिसीट्स हैं पर्सनल इनकम में सिर्फ हाउस होल्ड के रिसीट होते हैं तो वो डिफरेंस याद रखना और पब्लिक इनकम ये टोटली totally अलग कंसेप्ट है जो गवर्नमेंट अर्न करता है गवर्नमेंट रिसीव करता है वो सारा इनकम आता है पब्लिक गवर्नमेंट जो एंटरप्रेनर या बाकी सारे एक्टिविटीज से अर्न करता है वो भी पर्सनल में नहीं आएगा वो तो पूरा गवर्नमेंट का रहेगा बेसिकली क्या है इकोनॉमी को एक्सपेंडिचर में भी मेथड में देखेंगे कि तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है हाउस होल्ड बिजनेस एंड गवर्नमेंट तो प्राइवेट सेक्टर जब बोल दिया तो उसमें दोनों आ गए हाउस होल्ड एंड बिजनेस मतलब कॉर्पोरेट्स पब्लिक सेक्टर बोला उसमें मतलब सिर्फ गवर्नमेंट आ गया पर्सनल इनकम के लिए तो हम कॉर्पोरेट्स को भी इंक्लूड नहीं करते कि जो इंडिविजुअल्स का इनकम रिसीव्ड है रिसीव्ड वाला पार्ट उतना ही हम काउंट करते हैं तो ये सारे एडजस्टमेंट्स ध्यान रखना कौन सी चीज कहाँ इंक्लूड होती है कौन सी चीज कहा इंक्लूड नहीं होती है इसी बेसिस पे आपके सारे कैलकुलेशंस डिपेंडेंट रहेंगे तो वो ध्यान रखना फिर इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे कुछ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन दिए है आप ट्राई भी कर सकते हो कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है आप खुद से ट्राई करो अगले सेशन में हम यही कैलकुलेशन देखने वाले हैं एक एक आंसर निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स भी हो सकते हैं वो सारे डिस्कशन के साथ ये चार इलस्ट्रेशन आपको एटलीस्ट ट्राई करना है चारों इलस्ट्रेशन होने के बाद एक नया कंसेप्ट आ रहा है जीडीपी ये जो नॉमिनल जी डी पी वर्सेस रियल जी डी पी करंटेंट प्राइस काफी इंटरेस्टिंग और नया कॉन्सेप्ट रहेगा इसके ऊपर हम अलग से बेसिक सेशन देखेंगे जैसे शुरू में हमने जी डी जीएनपी वगैरह के लिए देखा वैसा ही इसका भी एक बेसिक सेशन होगा फिर इसकी रीडिंग होगी बट तो उसके पहले ये इलेस्ट्रेशन ट्राई करो स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट आंसर कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी है खुद से ट्राई करो नहीं आते हैं चलेगा हम इसको प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये इलेस्ट्रेशन का ही मेरा फोकस रहेगा सिर्फ इन इलेट्रेशन पे फोकस करेंगे और ये इलेस्ट्रेशन करते करते जो हमने आज पढ़ा है पूरा या आज या पिछले दो तीन सेशन में जो पढ़ा है वो पूरा हमारा रिकॉल हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ इंक्लूड होती है कहाँ नहीं इंक्लूड होती है रिसीव्ड में क्या है अर्न में क्या है ये सारा रिकॉल भी हो जाएगा तो ये सेश, आप पहले ट्राई करना और इसका सेशन सेशन बहुत अच्छे से देखना चारों के चारों आंसर या सारे के सारे आंसर्स आपके गलत हुए चलेगा फिर भी आंसर कॉपी मत करना गलत हुए कोई फर्क नहीं पड़ता कल जब मैं सिखाऊंगा अगले सेशन में तो मेरे साथ वो कर लेना कि क्या तो आगे कभी नहीं होगी कर तो हो तो बहुत अच्छी बात नहीं भी आए तो भी टेंशन नहीं लेना है पहली बार हम इस सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे तो गलती होना कोई बहुत बुरी बात है ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम सिर्फ ये रहेगा कि अगर आप उस गलती से सीखोगे नहीं तो गलती करो बिंदास करो सिर्फ अगर होती है गलती तो रियलाइज करो और उसको वेरीफाई करने की कोशिश करो बाकी अदरवाइज अगर आपको कुछ डाउट आता है तो नोट्स में मेरा नंबर लिखा ही है आप वहां पे पूछ सकते हो so सभी के लिए इस सेशन के लिए हम इतना ही देखेंगे बाकी का बाद में थैंक यू